दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अतुल क्रिकेट एकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकेंड ओडीआई का पूरा रिव्यू। उस ओडीआई में क्या हुआ, कौन जीता, कौन हारा, किसने कितने रन बनाए, किसने कितने विकेट लिए, किसने किसके विकेट लिए, सब कुछ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यूट्यूब चैनल अतुल क्रिकेट अकेडमी को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए। मुझे इंस्टाग्राम एक्स्ट्रा खाटक पर फॉलो कर दीजिए, आईडी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो दोस्तों बिना देर किए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं टॉस में क्या हुआ। इस मैच में भी टॉस ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरन फिंच ने जीता और उनका निर्णय भी नहीं बदला, उन्होंने पहले बैटिंग चुनी। जब ऑस्ट्रेलिया टीम बैटिंग करने तो कप्तान एरन फिंच ने अपना फॉर्म जारी रखा, उन्होंने 60। दूसरे ओपनर डेविड वार्नर ने भी अपना फॉर्म जारी रखा, उन्होंने 83। नंबर तीन पे स्टीव स्मिथ ने भी अपना फॉर्म जारी रखा, 104 क्विक फायर 65 बॉल्स में। नंबर चार पे बैटिंग करने मार्नस लाबुसेन ने 70, ग्लेन मैक्सवेल ने फिर से क्विक फायर 63 और फिर एंड में मॉजेस हेनरिकेस ने भी नॉट आउट 2 रन बनाए। इस तरह वही बात की जा रहा है इंडिया की बॉलिंग की, तो इंडिया की बॉलिंग फिर से बहुत खराब हुई क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग फिर से बहुत अच्छी गई। इंडिया के लिए मोहम्मद शमी को इकलौता विकेट मिला एरन फिंच का। वही बात की जाए अगर और विकेट्स की तो हार्दिक पांड्या इस मैच में बॉलिंग की, उन्हें स्टीव स्मिथ का इकलौता विकेट मिला। वही मार्नस लाबुसेन का विकेट मिला जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह को 7 ओडीआई के बाद इकलौता विकेट मिला। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने अपने निर्धारित 50 ओवर में पिछले मैच से 14 रन ज्यादा बनाए और इस बार ऑस्ट्रेलिया ने 389 रन्स बना डाले और 390 रन्स का टारगेट दिया 4 विकेट पर। वहीं जब इंडियन टीम बैटिंग करने आई तो ऑस्ट्रेलियन पेस अटैक ने फिर से इंडियन टीम को घुटनों पर लाकर रख दिया। इंडियन टीम के लिए ओपनर शिखर धवन ने 30, दूसरे ओपनर मयंक अग्रवाल ने 28। नंबर तीन पे बैटिंग करने आए कप्तान विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 89, केएल राहुल ने फाइटिंग 76। नंबर पांच पे बैटिंग करने आए श्रेयस अय्यर ने 38। नंबर छह पे आए हार्दिक पांड्या ने 28। रविंद्र जडेजा ने क्विक फॉर 11 बॉल 24। नवदीप सैनी ने 10, मोहम्मद शमी ने 1, जसप्रीत बुमराह ने 0 और युजवेंद्र चहल ने 4 नॉट आउट बनाए। वही बात की जाए अगर ऑस्ट्रेलियन टीम की बॉलिंग की तो ऑस्ट्रेलिया के लिए पैट कमिंस को, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या और मयंक अग्रवाल के विकेट मिले। जॉश हेजलवुड को भी 2 विकेट मिले। जॉश हेजलवुड को शिखर धवन के साथ साथ विराट कोहली का बड़ा विकेट मिला। मॉइसेस हेनरिकेस को इकलौता विकेट मिला श्रेयस अय्यर का। वही बात की जाए एडम जैम्पा की तो एडम जैम्पा को भी 2 विकेट मिले। एडम जैम्पा को केएल राहुल के साथ साथ जसप्रीत बुमराह का विकेट मिला। वहीं ग्लेन मैक्सवेल को मोहम्मद शमी का विकेट मिला। इस तरह से इंडियन टीम अपने निर्धारित 50 ओवर में ज्यादा कुछ नहीं कर पाई और 338 पे 9 विकेट गवा दिए और इस मैच को भी 51 रन से हार गई। ऑस्ट्रेलियन टीम ने इस मैच में भी इंडियन टीम को 51 रन से रौंद दिया और सीरीज में विनिंग लीड ले ली 2-0 की। अब अगर इंडियन टीम आखिरी मैच जीत भी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2-1 से ऑस्ट्रेलियन टीम सीरीज जीत जाएगी, वरना 3-0 से जीत जाएगी अगर ऑस्ट्रेलियन टीम जीत गई। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तीसरा और आखिरी ओडीआई मैच खेला जाएगा सीरीज का 2 दिसंबर को सुबह 9:10 से टेलीकास्ट होगा सोनी 10.3 और सोनी लिव वगैरह पे और ये मैच खेला जाएगा कैनबेरा के स्टेडियम में। तो दोस्तों स्टे होम से सेफ, थैंक यू।